हरे कृष्ण एवरीवन। आपको पता है आज मैं स्पेशली जगन्नाथ मंदिर आई हूँ, जो कि हौस खास में आपने पहले वीडियो में देखा होगा ना, स्पेशली प्रसाद पाने सच्ची में। और आपको तो पता है ना जगन्नाथ जी का प्रसाद कितना यम्मी होता है ना सौम्या। हमने ना परसों सोचा था कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने चलेंगे, लेकिन कल थी एकादशी, मतलब परसों सोचा था कि कल आएंगे पर कल थी एकादशी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि आज आना सही नहीं, क्योंकि हम नहीं 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 है लंच खाने तो आए हम लंच वक्त के भी तो लंच बॉक्स तो नहीं है बैग में, और मैंने रिप्लाई दिया हम लंच खाने तो आए हैं। तो हमने सोचा एकादशी के दिन कैसे खा सकते हैं, क्योंकि अपने जग्गू तो सब खा लेते हैं। कपाट अभी बंद है क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो सौम्या का रिप्लाई था खा रहा है पहले फिर हमें खिलाया। अभी मत बोलना भगवान कैसे बोल रही है प्लीज़। हाँ ये सारे डायलॉग बाजी वो हमारे घर के, और सौम्या के तो एकदम ही यू नो एकदम ही घर के बच्चे हैं, क्योंकि उड़ीसा से है तो ऑब्वियसली एक कनेक्शन वाली फील आ जाती है। जैसे ब्रिजवासियों के लिए कृष्णा उनका लाला है, चोर हैं उनके लिए ऐसा ही है। तो अभी हम स्पेशली प्रसाद पाने आए हैं, एकादशी पे इसलिए नहीं आए क्योंकि ये तो खा लेता चावल, हम नहीं खा पाते, हम नहीं खा सकते। धाम में होता तो अलग बात है, धाम में होता मतलब उड़ीसा में होता तो अलग बात होती, खा लेते प्रसाद, प्रसाद है चावल नहीं है प्रसाद है। लेकिन अब यहाँ आए हैं तो फिर इनके हिसाब से यू नो चलना पड़ेगा, वैष्णव एटिकेट फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी अगर आई जाते तो खाई डोसा बना लेते ना तुम। पोड़ो पीठा क्या होता है अगर कोई उड़ीसा से है तो मुझे बताइए क्या होता है। क्या होता है पोड़ो पीठा? एक स्वीट डिश होती है जो मेरे को इतना प्रॉपर नहीं पता, पर उसे बनाया जाता है और उसको ना चूल्हे पे थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा जलाया हुआ, मतलब थोड़ा जला जला होता है, इसलिए पोड़ो जला हुआ मीन्स पोड़ो कहा जाता है, तो इसलिए उसे पोड़ो पीठा कहा जाता है। कहाँ मिलेगा यहाँ? मिलेगा नीचे 500 रुपये किलो 500 रुपये किलो पोड़ा पीठा। हम तो वो क्या कहते हैं घर पे बना लेते हैं। नहीं घर पे तो साल में कभी बन रहा होगा, मतलब बन जाता है ना। सौम्या के घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हम तो वो खाएंगे, हम प्रसाद खाएंगे और उसे क्या कहते हैं गजा फेणी खाएंगे। फेणी वो क्या होता है? क्या फेणी भूल गए क्या? खीर फेणी क्या फेणी? अरे गजा जो भगवान को हम ऑफर करवाने ले गए थे किसी बार भोग के लिए, वो जो मैंने आपको प्रसाद ला के दिया था जगन्नाथपुरी से जी। अच्छा हाँ वो मीठा मीठा लंबा 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 देखो खाने के बाद समझने प्रसाद प्रसाद होता है, उसको जो मिले वो खा लेना चाहिए। पता नहीं क्या क्या पसंद है हमारे जगन्नाथ जी को, पता नहीं क्या क्या पसंद है, सब पसंद है, सब पसंद जो सब खा लेते हैं। आप जो खिला सकते हो वो खिलाइए, सब कुछ लक्ष्मी माता बनाती है अपने हाथों से, सोचो सब बनाती है, और जिसमें से बलराम जी तो खूब खाते हैं। हाँ जगन्नाथ तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम है, पर बलराम जी तो बहुत खाते हैं। सुभद्रा माई तो बेचारी देखती रहती है कितना खा रहे हैं मेरे भैया दोनों के दोनों। हाँ जब जैसे जगन्नाथ भगवान जाते हैं ना अपने मौसी के घर, तो सबसे पहले पोड़ो पीठा ही खाते हैं वो, उनकी मौसी जो उनकी मौसी जी है वो उनके लिए पोड़ो पीठा बनाती है, और जब वापिस आते हैं तो भी उसी का ही भोग लगता है उन्हें। मेरे को ये पोड़ो पीठा खाना है, अब मेरा बहुत मन हो रहा है पोड़ो पीठा खाने का खाना नीचे जाके पोड़ो पीठा खाएंगे आज हम, नहीं खाए तो कोई बात नहीं अगली बार खाएंगे। सौम्या माता माता रानी की साड़ी देख रही है और कह रही है माता ये साड़ी मुझे दे दो, अरे बिमला माता को कह रही है बिमला माता ये साड़ी मुझे दे दो, और हम नीचे आए हैं अब माता का नाम फिर दूंगी तारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। अभी भगवान के पट बंद है और वो इनके भी पट बंद ही होंगे। खाती हूँ एक और बार सौम्या एक और बार सॉरी खाओ। यस हमें भी ऐसे खाना है जय जगन्नाथ। पूरा तो नहीं खा पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? हरे केला। जो
तक वो खुल रहा है। उस दिन से ज़्यादा मिला है, उस दिन भीड़ ज़्यादा थी। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नलवट्टा सन्नाटा अपन, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी ने हमें प्रसाद दिया, पंडित जी के पैर छूने का मौका मिला, बहुत आनंद धूप हो गई है, आशीर्वाद मिला, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला, कीर्तन किया, बहुत आनंद आया। कोई नहीं था ना मंदिर आज खाली है, तो ऐसे खाली में केवल आप हो और सामने जगन्नाथ है, सुभद्रा देवी है, बलराम है, अपने उनके सामने कीर्तन करना, डिफरेंट थिंग, डिफरेंट लीग, अलग माहौल। तो जय जगन्नाथ। अब हम जा रहे हैं जिस काम के लिए हम आए थे वो करने, पेट पूजा करने आए थे, प्रसाद पाने आए थे ना हम, तो हम वो करने हम अब जा रहे हैं। हरी बोल। वो सो रहा है। अब वो सोने गया और हम खाने जा रहे हैं। वो है खीर, वो घड़ी आ गई, सौम्या का भी बच रहा है। मैंने केले दिए थे, अब हम खाएंगे खीर।
करती है भाई। पहले जब हमने खाया था तब भरा हुआ था, अभी कुछ इस प्रकार खाली हो चुका है। ये अचार है, कहीं आप सोचो इसे हम जाते जाते पी लेंगे, बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा है। मेरी प्लेट तो ज़्यादा साफ है, खाते हैं कि पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। पेट यहाँ तक भर चुका है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ बाहर आने वाले। इतना सा खाया दूसरी बार ले नहीं सकते। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद आप दूसरी बार ले नहीं सकते। मैं साथ वाले भैया ने लिया था, बोले प्रसाद खाने आए थे, प्रसाद खा लिया हमने। सच में ऐसे मन में हो रहा था कि यार जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना है। ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि प्रसाद कितना सुंदर था। अनफॉर्चुनेटली हम, आपने नहीं पाया लेकिन हमने पाया। प्रसाद तो भागना था जगन्नाथ को, हम जगन्नाथ से नहीं आना, झूठ बोल रही है। जगन्नाथ तो बहाना था, हमें प्रसाद खाने आना था। ये इसका कहने का मतलब ये है, झूठ बोल रही है। नहीं, ये बात है क्योंकि जगन्नाथ जल्दी से बुलाता नहीं है, तो इसलिए किसी भी बहाने से आओ, लेकिन मेन मोटिव होता जगन्नाथ जी से मिलना। और आज उनको मतलब इतने खाली थे ना, वो उन्होंने खाली एकदम सिंपल वस्त्र पहने, केवल मोर पंख लगा रखे। बलराम जी भी सिंपल से, राम सुभद्रा देवी भी सिंपल से बैठी हुई है, और हम उनके सामने कीर्तन कर रहे थे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट हाँ हम दोनों ने एक्चुअली में बहुत एक अलग सा कनेक्शन था, जहाँ पर कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है, लेकिन फिर भी केवल हमें और जगन्नाथ। आप अगर हौस खास में हैं तो ज़रूर आप मंदिर आएँ, जगन्नाथ टेम्पल आएँ, ज़रूर 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 आएँ। और अपना जाएँ, हौस खास आ रहे हैं तो क्लबिंग के लिए जाना तो जाइए, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन हाँ टेम्पल ज़रूर जाएँ। हौस खास में इतना सुंदर मंदिर है हमारा जगन्नाथ जी का, जो उड़ीसा नहीं जा पा रहे एटलीस्ट जगन्नाथ जी में आके उड़ीसा की फीलिंग लें, जगन्नाथ जी के दर्शन करें और यहाँ का प्रसाद पाएँ। क्लब जाने से पहले ही पड़ता है रास्ता, भाई मुझे भी नहीं पता था पहले, बट हम बता रहे हैं, तो आप आइए। जरूर आइए, जलूल जलूल आइए, जरूर जरूर। देखो हम, हमारा आइए तो क्या, वो बुलाएगा कोई याद करो उन्हें कि देखो। अब सब कहते हैं कि भगवान का बुलावा आता है, अब सपोर्ट करो, क्या पता मैंने बोला हो तो आपका बुलावा आया हो, आई एम जस्ट सेइंग ना। तो इसी बहाने की सानिया ने बोला है तो शायद हमें जाना चाहिए, क्या पता जगन्नाथ जी का बुलावा हो। तो ऐसे ही टेक्निक्स होते हैं। अब जैसे मैंने परसों इसको मैसेज किया, चल जगन्नाथ जी के मंदिर चलते हैं, और शिव लाइक चलो तो बुलावा, जाना था तो हम कल भी आ सकते। हाँ लेकिन हम नहीं आएंगे, भगवान को हमें परसों नहीं बुलाना था क्योंकि उसे पता था कि हमारी एकादशी और हम नहीं खा पाएंगे, और हम अगर यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ पाके जाएंगे, ये तो जगन्नाथ जी की मर्सी है। और जगन्नाथ जी की मर्सी हमेशा प्रसाद से दिखती है, ये भी प्रसाद और ये प्रसाद, ये प्रसाद भी और ये प्रसाद भी। तो हमारा तो पेट बहुत ज़्यादा ऊपर तक है, और दर्शन करके भी मन भी तृप्त है और पेट भी तृप्त है, सब कुछ तृप्त है, इसलिए उसे जगन्नाथ कहते हैं, जो सब कुछ तृप्त कर देता है। जगत के नाथ जगन्नाथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।